सो आज हम पढ़ेंगे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि मैं आज बताने वाली हूँ. MSN 2 का है ये डिसीज कंडीशन है. सो लेट्स स्टार्ट. तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ स्पाइन एंड करेक्टराइज बाई इन्फ्लामेशन बिटवीन दी वर्टिब्रा. इसमें बता रहा है कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो उसमें क्या होता है, कंडीशन है जिसमें हमारी स्पाइन में इन्फ्लामेशन अक्कर हो जाता है. जो हमारा बैक का जो स्पाइन है, हमारे बैक के स्पाइन में इन्फ्लामेशन अक्कर हो जाता है. वो करेक्टराइज किसके द्वारा किया जाता है, बाय इन्फ्लामेशन बिटवीन वर्टिब्रा. हमारा जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बीच में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे हम करेक्टराइज कर सकते हैं कि स्पाइन में इन्फ्लामेशन हुआ है. ठीक है, हमें पता कैसे करते हैं कि जब स्पाइन में जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जब हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें इन्फ्लामेशन अक्कर हो गया, तो इससे करेक्टराइज किया जा सकता है कि स्पाइन भी जो है वो इन्फ्लामेट हो गया होगा. सो हम आते हैं कॉजेस पे. ठीक है, कि कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं. तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है इसका, बट कुछ फैक्टर है जिससे जो कि कॉजेशन से रिलेट करता है. ठीक है, तो पहला जो है जीनेटिक फैक्टर, दूसरा है फैमिली हिस्ट्री. तो जीनेटिक फैक्टर जो होता है, जैसे कि मदर को हुआ है तो फिर बेबी को हुआ है ऐसे. ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री हो सकता है जैसे कि फैमिली में किसी मेंबर को हुआ हो. ठीक है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो जो है फैमिली में बच्चे को हो गया. ठीक है, फिर किसी को होने का चांस ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री. ये दो कॉजेज हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है. अब आते हैं हम साइन एंड सिम्टम पे. ठीक है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं. तो पहला जो है वो है बैक पेन. ठीक है, तो बैक पेन जो है इसमें देखने को मिलता है. साइन एंड सिम्टम में मतलब होता है कि कैसे, मतलब कौन कौन से साइन एंड सिम्टम अक्कर हो सकते हैं यदि किसी को हुआ है ये डिसीज़. तो पहला बैक पेन, इसमें क्या होता है कि बैक पेन जब पेशेंट को होता है तो ऐसे तो नॉर्मली पेशेंट को सोचता है कि अरे ऐसी बैक पेन किसी वजह से हो रहा होगा, बट बाद में जो है यदि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो इस पर ये सीवियर भी हो जाता है बाद में. तो साइनस सिम्टम है कि बैक पेन हो सकता है. ठीक है, या लो बैक स्टिफनेस, जो स्टिफ जो बैक है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, वो साइनस सिम्टम देखने को मिल सकता है. फैटिग होगा बहुत ज़्यादा, फीवर होगा, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है. ठीक है, और फिर है कि पेन इन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. ठीक है, जो लिगामेंट्स और टेंडन्स है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, बिल्कुल एब्सेंस हो जाता है. ठीक है, इसमें बोन जो है मतलब बोन जो मूवमेंट करना बिल्कुल रोक देता है. ठीक है, वो होता है एब्सेंस ऑफ मोशन हो जाता है. ठीक है, देन आते हैं हम डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन पे. डायग्नोस्टिक में हम कैसे, कौन कौन से डायग्नोस कर सकते हैं हम इसमें पता करने के लिए कि स्पाइन में इन्फ्लामेशन है या नहीं है. पहला हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन. ठीक है, हम इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे. पहले जो पेशेंट है उससे हम पूछेंगे कि आपको ये कभी हुआ था या नहीं हुआ था. ठीक है, आपका नाम क्या है, आपके फैमिली में कभी किसी को हुआ था या नहीं हुआ था, या किसी आपके जीनेटिक फैक्टर तो नहीं है किसी. ठीक है, ऐसे से पूछेंगे. ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन. ठीक है, आप कितने साल के, आपको कभी कोई इस बोन प्रॉब्लम कुछ भी ऐसे. ठीक है, पहले कोई डिशीज तो नहीं था आपको. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पूरा उसका एग्जामिन करेंगे, पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, फिर आता है ब्लड टेस्ट. ठीक है, हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, CBC. ठीक है, लेंगे. ठीक है, हम उसका सारा ब्लड का टेस्ट करेंगे. ठीक है, फिर आते हैं पैल्विक एंड बैक एक्सरे. हाँ, पैल्विक एंड बैक एक्सरे हम एक्सरे करेंगे पैल्विक एरिया का एंड बैक का. ठीक है, एक्सरे लेकर के हम पता करेंगे, उससे देखेंगे कि उसमें कोई इन्फ्लामेशन, कोई फ्लूड, कोई ऐसे तो एक्टिवेशन तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ का. ठीक है, सो हम नेक्स्ट आते हैं. तो हम नेक्स्ट आते हैं इसमें मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट पे आते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे. हमने पढ़ा कॉजेस, इसके डायग्नोस्टिक, इसके साइन एंड सिम्टम. ठीक है, अब हम इसके आते हैं मैनेजमेंट पे कि इसका मैनेज हम कैसे कर सकते हैं. तो पहला है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे हम. ठीक है, पेशेंट को NSAID जिसे बोलते हैं, इन्फ्लामेशन जब होता है पेशेंट को उसमें हम NSAID देंगे. उसमें दो एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल में आइब्रोफिन एंड एस्पिरिन. ठीक है, एस्पिरिन, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम जब इन्फ्लामेशन अक्कर होता है तब हम उसमें देते हैं. ठीक है, तो हम इसमें पहले तो NSAID देंगे. दूसरा है कि डिसीज. ठीक है, जैसे मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक,
एंड ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि मेथोट्रेक्सिप कैन बी यूज इफ एनएसएड्स नॉट इफेक्टिव, ठीक है, यदि हमने पेशेंट को एनएसएड्स दिया, ठीक है, बट उसमें भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस चीज़ से, उसके बाद हम क्या देंगे उसे, एंटी रिमेटिक ड्रग देंगे, ठीक है, उसमें आ जाते हैं मेथोट्रेक्सिप देंगे, ठीक है। फिर फोर्थ है एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे रिड्यूस करने के लिए स्टिफनेस, जो भी जितना भी मतलब जो स्टिफनेस है उसके जॉइंट में जिसके कारण उसकी मूवमेंट में कमी आ, ठीक है, उसके वाली वजह से हमसे क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे जिससे कि उसका स्टिफनेस कम हो और उसको स्ट्रेंथ मिले जॉइंट मसल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वो है फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे उसे, ठीक है, मतलब उसको हम फिजिकली एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम देंगे, ठीक है। थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है जैसे कि हम उसको ऑक्यूपेशन कुछ काम करवाएंगे उसके मन पसंदीदा, जैसे कि उसको कुछ जैसे कोई पेशेंट है थोड़ी ओल्ड है, ठीक है, उनको जैसे कि मतलब ज़्यादातर आता है कि उन्हें सिलाई करना पसंद है, ठीक है, कोई पेशेंट है जैसे कोई भी काम करना पसंद है, जिस चीज़ में उसे बहुत ज़्यादा रुचि हो वो थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी देंगे जिससे क्या हो उसका वो चीज़ ठीक हो फिजिकली। अब है अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, हम स्मोकिंग जो यदि पेशेंट स्मोक करता है तो उसको हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि आप ये करना स्टॉप कर दें, ठीक है। लास्ट है कि हेल्दी एंड बैलेंस डाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है, हम कोई भी ऑयली चीज़ खाने के लिए उसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम उसे हेल्दी डाइट में खाने के लिए सलाह देंगे।